ऊपर वाला थोड़ा क्लियर कर देना, वो समझ नहीं आ रहा है। कौन सा वाला? हाँ जी वो वाइन सईदुन, सईदुन से وأين سعيد؟ آب conversation كله في المسلسل. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. جي. مريم بدي وأين سعيدة؟ آبكو معنى بتاني بتاني. وأين سعيدة؟ جي. اور سعيد سعيدة کہاں ہے؟ سعيد کہاں ہے؟ پھر سعيد کمرے میں ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ ہوگا نا؟ ماشاءاللہ جی صحیح ہے. इसका क्या होगा कि सईदा मुसल्ले में कमरे में नमाज पढ़ रही है, यही होगा जी। अच्छा यही तो ये किस तरह से होगा, आप प्लीज मैं एक्सप्लेन करूंगी। अंजुम जी आप थोड़ा कॉन्वर्जेशन खत्म हो जाने दें, इन दोनों को कॉन्वर्जेशन कर लेंगे फिर हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम कॉन्वर्जेशन को ना रोकें प्लीज जी। okay. जी मरियम जी स्टार्ट करें। अइन अल मुअत्तफ अल अब अइन अल मुअत्तफ या सईद या साद जी हाय माना बता दें साथ में हाजा हु वल किताब या वालिदी या वालिदी अल अब व अइन अल नजारतु या सईद हाजी ही या هذه هي النظرة يا والدي جي يا والدي الآب هيا بنا إلى المسجد وسعيد هيا بنا سعد وسعيد هيا بنا جي starting سے جاتے ہیں جلدی جلدی سے यहाँ अल उम है, उम याने मदर, अल अब याने फादर, ठीक है। एक फैमिली में ये बातचीत हो रही है। हादा अदानुल फजर, अब यहाँ देखिए हमारे पास फिर ये फॉर्मेट आ गया मुरक्कब इजाफी वाला अजानुल फजर, ठीक है। अब ये फॉर्मेट आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना, फजर की अजान, ये की का वाला लफ्ज होता है वो यहाँ है, ओके। अजान ऑफ फजर, ऑफ जो इंग्लिश में यूज होता है या का की जो वर्ड उर्दू में यूज, अजान उल फज्र, तो यही फॉर्मेट आएगा सभी पोजेसिव फ्रेजेस में, ठीक है। पहले वाले लफ्ज पे अलिफ लाम नहीं होगा और ये एक पेश पेंड होगा, और दूसरे वाले पे अलिफ लाम आएगा और ये जेर पेंड होगा, ठीक है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐन अल औलाद, ऐना, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐना है, ओके। क्वेश्चन वर्ड जी ऐना का मीनिंग है कहाँ, बच्चे कहाँ, जो पढ़ रहे हैं जो वही माइक खोलें, बाकी सब माइक बंद कर दें। आइनल औलाद यानी बच्चे कहाँ, ये औलाद प्लूरल है, ठीक है। वलद एक लड़के को बोलेंगे, अल औलाद ये इसका प्लूरल है। अल उम माँ कह रही है, सादुन फिल हम्माम, ठीक है। अब यहाँ आ गया हमारा पहला हर्फ जर, हर्फ जर फी, फी माने इन में, ठीक है। सादुन फिल हम्माम, हम्मामी, ये देख रहे हो आप, ये जेर, जेर को अरबी में जर कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इस हर्फ को हर्फ जर कहते हैं, क्योंकि ये इसके बाद आने वाले हर्फ को जेर देता है। अभी आप कुरान में भी पढ़ोगे ना, हर जगह जहां पे भी आपको ये हर्फ जर नजर आएगी ना, तो उसके बाद जेर आएगा, ओके। मैम ये इसी तरह, शबाना कौसर बोल रही हूँ, मैम ये इसी तरह क्वेश्चन के साथ लिखा रहे ताकि हम इसे दोबारा से अपने कॉपी में लिख लें क्लास के बाद। मैं नहीं वो कर सकती ना, क्योंकि मैं जैसे ही मैं दूसरा पेज पे जाने लगूं तो वो हिल जाता है, वो फिर मुझे क्लियर करना पड़ता है। सॉरी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं मैं इसको रिकॉर्ड, मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं डालूंगी आपको ग्रुप में इंशाल्लाह, तो आपको हो सकता है सभी नजर आ जाए रिकॉर्ड। जैसे फिल हमामी, तो टीचर मुझे ये एक के बाद एक, मेरी समझ नहीं आई, एक के बाद एक बात करें, मुझे समझ नहीं आई क्या कहा आपने जी। मैं कह रही हूँ कि जैसे हुरूफ़े जर फी है तो आगे हमामी में जो जेर आ जा रहा है, लेकिन फी के साथ अल लगाना जरूरी है, अल हमामी नहीं,
नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन ये हस्ब जरूर उसके हिसाब से आएगा. यहाँ हमने अल हमाम लिया है, ये याद रखें कि जो हमामी कह सकते हैं. मैं बता रही हूँ ना आपको, अगर आपने नाउन को सिर्फ नाउन की तरह लेना है तो आप फिर अल के साथ ही बोलोगे. जैसे आपने बोलना इन द वॉशरूम, इन द वॉशरूम, इन वॉशरूम, इन द वॉशरूम, द लगेगा. ठीक है, अगर आपको उसमें मेरे वॉशरूम में बनाना है तो फी हमामी आएगा, हमामी, उधर अल नहीं लगेगा, फी हमामहु, उसके हमाम में. ठीक है, तो जब ये अल लगता है तो मतलब कि वो नाउन है उसके ओरिजिनल फॉर्म में. ठीक है, सादुन फिल हमामी. तो आप ये याद रखें, हर्फ जर, हर्फ जर कितने हर्फ जर आपको पता है? जब हम मैक्सस में आते हैं सत्रह हमने पढ़ा है फी. जी, फी जो हमारे लिए जो अभी हमारे क्लासों में हम लेंगे वो पहला वाला हमने थोड़ी देर पहले मैंने मिन बोला था आपको, मिन यानी फ्रॉम. ठीक है, ये फी यानी इन. एक और एक है इला, इला यानी टू या टूवर्ड्स. और चौथा वाला है ली, ली यानी फॉर, उसके लिए. और अला, अला यानी किसी के ऊपर. ये पांच हमामी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हर्फ जर आया है. ये जो वर्ड है ना फी, ये हर्फ जर है. लगेगा हर नाउन पे. जी, हर यानी नाउन से पहले अगर आपके पास प्रपोजिशन, प्रपोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं, आपको पता है प्रपोजिशन ना, हर्फ जर. जैसे हमारे पास वर्ड होगा इन है, ऑन है, और फ्रॉम है, और टू या टूवर्ड्स होगा वर्ड. और क्या वर्ड है? फ्रॉम है ना, मैंने कहा जी आला जो बोली है वो होगा जी. आला मतलब क्या होगा जो बोली ना, आला मतलब उसके ऊपर. जी जी हाँ, अलाम, अलाम मतलब ऑन. ये जो चाहिए, जो पांच आपको जब स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं ना, इन यानी इन यानी फी, फी. ये उस्तादा ये पूछना है जी जी, अरबी में लिखे नहीं जा रहा. ये तवज्जा ऊ लिखा हुआ है ना? अभी मैं उस वर्ड पे नहीं आई हूँ, आप रुके. हर का एक एक पहले क्लियर कर ले फिर आप सवाल करें ना प्लीज. मेरा पहले ये क्लियर कर दे, ये फी के साथ अल आएगा हमेशा या फी हमामी होगा? मैंने अभी बोला आपको, अगर आप उसको अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले रहे हैं, आपके नाउन को ओरिजिनल फॉर्म में ले रहे हैं तो अल आएगा. अगर आप इसको पोजेसिव कर रहे हैं, मेरे हमाम, उसके हमाम, आपके हमाम, तो फिर उस केस में अल नहीं आएगा. बस ये याद रखें, अगर पोजेसिव के साथ, अगर दमीर के साथ आ रहा है तो अल नहीं आएगा. बिना दमीर के अगर आ रहा है तो उसमें अल लगेगा. जी, जो भी उर्फ़े जर आएगा उसमें अल लगेगा? नहीं, जरूरी नहीं है. अगर ये फी के बाद वाला अगर उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है, वो जो इसम है, जो नाउन है, एक इसका एग्जांपल बता दें ताकि क्लियर हो जाए. प्रॉपर नाम देखें, आप खामोशी से सुने टीचर को जो समझा रही हैं. अस्सलाम वालेकुम उस्तादा, आपके एक्सप्लेनेशन के बाद डाउट्स का सेशन रखिए ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मैं वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैं इस तरह नहीं होएगा. बीच में अगर इस तरह आप मुझे भी इंटरप्ट करेंगे तो आपका भी कंसंट्रेशन चले जाएगा, दूसरे भी नहीं समझ पाएंगे. और जाहिर सी बात है लंबी भी हो जाएगी, फिर मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी. प्लीज आप कंसंट्रेट करें, जो पॉइंट हो गए आप लिख लें. अगर क्लास के बाद मैम आप हेल्पर से पूछने का बोले ना, हेल्पर से, ग्रुप हेल्पर से, कितना हो जा रहा सबके लिए भी बहुत हो जा रहा ना, हर हफ्ते इतना लंबा नहीं पॉसिबल होता सबके लिए बैठना. जी मैं हर हफ्ते नहीं लेती क्लास, मैं यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही आना. तो मैम लेकिन वो कितना पूछ रहे बीच बीच में, एक घंटे के अलावा बहुत बहुत लंबी हो जा रही क्लास. मैम आप सबको म्यूट कर दें. जी अस्सलाम वालेकुम उस्तादा, आप प्लीज जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं प्लीज आप उनको एक्सप्लेन करें, ये बार बार बीच में इंटरप्ट नहीं करें प्लीज सब लोग ना, दूसरे लोगों को फिर मतलब वो बॉदर हो रहे हैं. लेकिन एक चीज ये भी ना कि जब तक प्लीज आपके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम,
मैम आप अपनी तरफ से सबको म्यूट कर दें फिर आप बात क्लियर नहीं आ रही एक से बता हेलो अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल मेरी आवाज नहीं आ रही थी
हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है अभी? देखें सिस्टर्स प्लीज देखें, मुझे माइक क्लोज करने की वजह से भी सारी प्रॉब्लम, मेरा खुद का माइक भी क्लोज हो गया और मुझे पता नहीं चला। आप प्लीज कोऑपरेट करें मेरे साथ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, फिर मैं आगे क्लासेस नहीं ले पाऊंगी। मैं आप प्लीज, मैं सभी को अभी अनम्यूट करती हूँ, आप प्लीज बीच बीच में ना बात करें, लेसन हो जाने दे उसके बाद आप बात करिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अभी आ रही है आवाज? वालेकुम हाँ आ रही है, आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने अभी माइक खोल दिया है सबके, लेकिन प्लीज आप बीच में बात ना करें, ये सभी को डिस्टर्ब हो रहा है और हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अगर इस तरह होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से। मैम आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। पेज भी चला गया। आज हमने अभी 3 कॉन्वर्सेशंस भी कंप्लीट नहीं किए। मैम आपकी आवाज कभी आती है और कभी चली जाती है। नहीं मैं अभी बोल नहीं रही ना, पेज नहीं आ रहा था ना, अभी पेज आया है। अभी देखें आप, अभी हम यहाँ थे सईदुन फिल गुरफती यकरा उल कुरान, मैं यहाँ बता रही हूँ कि यकरा, अब जो वर्ब्स हैं उस वर्ब्स पे आए हैं हम अभी तक। मैं आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बता रही थी, हर्फ जर के बारे में, जैसे फी है, अला है, इला है। अब ये है हमारे यहाँ वर्ब्स, वर्ब्स में आपको यहाँ वर्ड है यकरा उल कुरान, यकरा। जब आप देखेंगे कि आपके पास या आया है तो ये मुजक्कर की निशानी है, ठीक है। यकरा मतलब ही रीड्स, उसने पढ़ा। सईदुन फिल गुरफा, सईद गुरफा या कमरे में है, यकरा उल कुरान, वो कुरान पढ़ रहा है, तो यकरा निशानी है मुजक्कर की। इसी तरह सईदा के लिए सईदा फिल मुसल्ला, तुसल्ली तू निशानी होगी मुअन्नस के लिए, ठीक है। अगर आप इसी को अगर सईदा तकराउल कुरान बोलेंगे, अगर उसको हमने ये बोलना है कि लड़की ने कुरान पढ़ा, तो हम बोलेंगे तकराउल कुरान, ठीक है। अभी लड़के को बोलेंगे तो यकराउल कुरान, ठीक है, फर्क समझ आई। यकराउल कुरान लड़के के लिए और तकराउल। इसी तरह यहाँ सईदा फिल मुसल्ला तुसल्ली, तुसल्ली लड़के के, लड़की के लिए, और लड़के के लिए युसल्ली, ठीक है। फिर आइन अल मियातफ, मियातफ कोट को बोलेंगे, कोट कहाँ है, हादा हुवल मियातफ, ये चूंकि मुजक्कर है मियातफ, हम यहाँ हुआ यूज किए, ठीक है। अभी इसके बाद वर्ड है आइन नवारतु, नवारतु यहाँ पर हमारा फेमिनिन है, जब फेमिनिन आएगा तो फिर हम आंसर में हादी ही हियन नवारा, ठीक है, हादी ही दिस, और हिया अभी फेमिनिन के लिए यूज होगा, हियन नवारा, या वालिदी मेरे वालिद। हैया बिना इलल मस्जिद, हैया बिना ना चले चलते हैं मस्जिद की तरफ, हैया बिना चले, ठीक है। अभी फॉर्मेट हम देख लेते हैं आगे का, और
ये सारे वर्ड्स तो आपके लिए इजी हैं, अभी समझ आ गई है जिस तरह हमने तीनों उसमें किया है, सेम वर्ड्स हैं। ये अदद है, हमने लास्ट वीक एक से पांच तक की पढ़ी थी, यहाँ छः सित्ता, सात सबा, आठ तमानिया, नौ तिसा और दस अशरा है। ठीक है, जल्दी से फॉर्मेट करके फिर मैं आपको एक्सरसाइजेस की तरफ लेके चलती हूँ। जी ये फॉर्मेट मैंने एक बार इसको समझा देना था, इसके बाद फिर आप लोग एक्सरसाइजेस कर लेंगे। أين المعطف؟ أين النظارة؟ أين سعيد؟ أين سعيدة؟ يعني أين ये सवालिया हर्फ है, इसको हम feminine के लिए, masculine के लिए, सबके लिए एक ही word use करेंगे। Where? Where is the coat? Where are the glasses? Where is Saeed? Where is Saeeda? या चीज हो या कोई इंसान हो उसके लिए हम أين ही use करेंगे। और ये word है मन, मन भी हम सबके लिए same use करेंगे। जैसे यहाँ मन हादा, ये क्या है, मन हादही, ये क्या है, मन अंता, आप कौन हो, मन अंती फेमिनिन के लिए, आप कौन हो, मन हुआ वो कौन है, मन हिया वो कौन है फेमिनिन के लिए। ठीक है, सईदुन फिल मस्जिद, सईदा फिल मुसल्ला, सईदुन फिल गुरफा, सईदा फिल हमाम। ठीक है, यहाँ फी हर्फ जर है, तो हर्फ जर के बाद जितने भी नाउन्स आएंगे वो जेर के साथ आएंगे। ठीक है, हादा हुवल मियातफ, अगर मैस्कुलिन फॉर्म यूज हो रहा है तो आप उससे पहले हुआ लगाओगे। दिस इज द कोट, दिस इज द मस्जिद, दिस इज द मुसल्ला। हादी ही अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उससे पहले ही लगेगा। हादी ही नवारा, हादी ही मुहंदिसा, हादी ही कबीबा। और यहाँ पॉजिटिव नाउन्स यूज हो रहे हैं, हादा वालिदी, ये मेरे वालिद है, वालिदुहु उसके वालिद, जद्दी मेरे दादा, जद्दुहु उसके दादा, अम्मी मेरे चचा और अम्मुहु उसके चचा। वालिदती, यहाँ फेमिनिन के फॉर्म्स आ रहे हैं, वालिदती मेरी माँ, वालिदतुहु उनकी माँ, जद्दती मेरी दादी, जद्दतुहु उनकी दादी, अम्मती मेरी पुपी, अम्मतुहु उनकी पुपी। ठीक है, उसके बाद नाम आएगा, ये फॉर्मेट होगा। फिर यहाँ ये तो पहले हमने किया, हुआ तबीब, ये मुजक्कर के लिए, हुआ मुदर्रिस, हुआ मुहंदिस, हुआ तालिब, हिय फेमिनिन के लिए, हिय तबीबा, हिय मुदर्रिसा, हिय मुहंदिसा, हिय तालिबा। ठीक है, अभी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, मैं जिसको बोलूंगी बस वही माइक खोलूंगी अपना। समीना हसन और जेबा इम्तियाज, समीना हसन शायद आपके पास माइक नहीं है, जेबा इम्तियाज, सोबिया, सोबिया अफाफ, सिस्टर्स आप माइक खोल पा रही हैं? जी जी, यहाँ फॉर्मेट है ऐनल मियातफ, ऐनल मियातफ, हादा हुवल मियातफ। ठीक है, और ऐन अल गुरफा, हादिही ही अल गुरफा, यानी अगर मैस्कुलिन है तो आप ये फॉर्मेट में बोलोगे जवाब, अगर फेमिनिन है तो ये फॉर्मेट में बोलोगे। ठीक है, अभी आप जी कौन बोल रहे हैं अभी? जेबा, 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 आप इब्न के लिए, इब्न के लिए बताएं मुझे। जी मैम, इब्न, इब्न, अच्छा, इस फॉर्मेट में डालेंगे। जी ठीक है, आईना इब्न, आईनल इब्न, आईनल इब्न। जी हाजा यूज होगा ना, क्योंकि ये हाजा हुवल इब्न। जी बिल्कुल सही। आगे वाला भी बोलूं, आईनल मुसल्ला? नहीं नहीं नहीं, बाकियों को भी चांस देंगे। नाहिदा खान, नाहिदा खान, जी वालेकुम सलाम, मुसल्ला के लिए बोलें, मुसल्ला, आईनल मुसल्ला। जी
मुअन्नस और मुज़क्कर मुज़क्कर ही है मुसल्ला हाजा हुआ मुसल्ला जी आयशा ज़हीर मस्जिद के लिए बताएं मस्जिद के लिए बाजी ऐना मस्जिदी ऐनल मस्जिद एक मिनट मस्जिदी क्यों बोला आपने मस्जिदी देखे जो ओरिजिनल फॉर्म में जो हमारे पास अरबिक के नाउंस होते हैं ना वो हमेशा दो जबर दो पेश पे एंड होते हैं मस्जिदुन ठीक है मस्जिदुन लेकिन जब उस पर अलिफ लाम लग जाता है तो वो एक एक पेश हो जाता है अल मस्जिदु यानी अगर उससे पहले कोई हर्फ जर नहीं लगता या उससे पहले कोई और कलिमा जो उसके हरकत को चेंज करता है जो हम ग्रामर में पढ़ेंगे बाद में आपको पता चलेगा कि जब अन्ना इन्ना इस्तेमाल होता है तो वो जबर पे चेंज होता है तो अभी अभी हम बेसिक उसमें हैं तो अभी हमने सिर्फ पेश ही को इस्तेमाल करना है ठीक है मस्जिदुन वर्ड है तो अभी अल के साथ इस्तेमाल होगा तो ऐन अल मस्जिदु पेश जेर नहीं आएगा ओके बाजी अल लगेगा इसमें ऐन अल मस्जिदु जी ऐन अल मस्जिदु हाजा हुआ मस्जिद हादा हुआ हुवल हुवल मस्जिद जी शगुफ्ता यस मैम जी हमाम के लिए बोलें हमाम के लिए ऐना हमाम हाजा हुआ ऐन अल हमाम हाजा हुवल हमाम Very good. Munazza Arif? Munazza Arif? Ji, ghurfa ke liye batayen. Aina al-ghurfati? Ghurfati kyun hua? Aina al-ghurfati? Ghurfati kyun hua? Sorry. Ji, aina al-ghurfatu? Aina al-ghurfatu? हाजी मुझे सूरा के लिए बताएं सूरा सूरा आइना आइनल सूरतु आइनस सूरतु हाजी हियर सूरतु जी बिल्कुल सही इसके बाद है अंजुम फिरदौस आप शजरा के लिए बताएं वालेकुम सलाम जी जिस किसके लिए शजरा बताइए शजरा जी आइनल शजरतु हाजिही हिया शजरतु हिया शजरतु हिया शजरतु हाजिही हिया शजरतु जी बिल्कुल सही आयशा ज़हीर जी जी नज़ारा के लिए बताएं ऐनन नज़ारा ही नज़ारा जी माशाल्लाह वेरी गुड आमिना आमिना जिया इब्नह के लिए बताएं जी किसके लिए बताऊं इब्नह इब्नतुन किसके लिए किस पे बताऊं ये जो लास्ट वर्ड है ना इब्नह इब्नतुन इब्नतुन बेटी इब्नतुन जी एनल इब्ना हाजी इब्नतुन इब्ना हाजी इब्ना हियल इब्ना हाजी हियल इब्ना हाजी आमना असलम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं अभी आपका यहाँ पे मिसाल है ऐना सईद सईदुन फिल गुरफा यकरा उल कुरान ठीक है और फीमेल के लिए ऐना सईदा सईदा फिल गुरफा तकरा उल कुरान मैंने आपको यहाँ यकरा और तकरा का फर्क बताया यकरा मैस्कुलिन के लिए तकरा यानी ता के साथ जो वर्ब आएगा वो फेमिनिन के लिए फीमेल के लिए अब इसको इस्तेमाल जी इसको इस्तेमाल करते हुए ये मुझे सालिहुन अल मस्जिद मुसल्ला ये तीनों यूज करके बताया मुझे Aina Saliha? Salihan fil masjidi? Salihan kyun bola aapne? Salihun. Salihun. Ji, main jaise bata rahi hu na ki iske basic form mein Arabic mein hamesha do pesh ke saath hi aata hai. Noun.
और नाउन जब हम कहेंगे ना, जब किसी का नाम, जी जब किसी का नाम हम बोलेंगे तो उसको अलिफ लाम नहीं लगेगा, हम अस-सालेह नहीं बोलेंगे। जैसे अब इंग्लिश में हम द द फातिमा द इस तरह तो नहीं बोलेंगे ना, किसी का नाम बोलना है तो फातिमा ही बोलेंगे। तो इसी तरह अरबी में हम इस नाम से पहले अल नहीं लगाएंगे, इसीलिए सईदुन से स्टार्ट हो रहा है, सईदतुन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको सईदुन फिल गुरफा भी बोलने की जरूरत नहीं होती है, नाम है तो इसको सीधा हम सईद, सईद फिल गुरफा, सईदा फिल गुरफा। ठीक है, सालिहान इसको इसके दो हरकत निकाल दे, सालेह फिल मस्जिदिन युसल्ला। एक मिनट मस्जिदिन बोला कि मस्जिदी बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। सालेह फिल मस्जिदिन, एक मिनट, मस्जिदिन नहीं बोलेंगे हम लोग क्योंकि इससे पहले अल लगा है ना, ये जब जब भी कोई हर्फ पे अल आता है ना तो वो अब उसके आखिरी जो तनवीन होती है उसको हज़फ कर देते, तो हम इसको तनवीन के साथ नहीं बोल सकते। हादिही सॉरी फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी जी, फिल मस्जिदी युसल्ला जा जी, युसल्ली अल फज्र भी बोल सकते हैं या युसल्ली बस। ठीक है, इसके बाद कौन है, अंजुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी आपका हो गया था ना अंजुम, मैं दूसरे को देती हूँ। नहीं नहीं आपने अभी पढ़ा था ना, आयशा खान, आयशा खान जी, मैं अंजुम बोल रही हूं। जी अंजुम, आपने आपसे मैंने पूछा था ना अभी, आपने अंजुम फिरदौस से पूछा था। अच्छा आप दूसरी, अच्छा ठीक है, आप जी सॉरी, वालेकुम सलाम जी, सालिहा और अल मुसल्ली तुसल्ली, अल मुसल्ला तुसल्ली पढ़ना है ना जी, सईद वाला जो दिया है उससे पढ़ना है जी। यहाँ दो आपके पास ऊपर मिसाल है, एक मुज़क्कर के लिए और एक अभी किससे पढ़ना मुझे, सालिहा और अल मुसल्ला तुसल्ली, सालिहा सालिहतुन फिल गुरफती, सालिहत सवाल पहले सवाल बनाएं, सालिहुन सालिहा सालिहा सवाल करें पहले, अयना सालिहा, अच्छा उसी पहले अयना सालिहा सालिहा, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, मुसल्ला, अच्छा सालिहा फिल मुसल्ला, तुसल्ली, तू लगेगा फेमिनिन के लिए। ठीक है जी, जी डॉक्टर ताहिरा, मैं पढ़ ताहिरा नेक्स्ट नाम से मैं आ रही हूँ, डॉक्टर ताहिरा गुल मदीहा, मदीहा नूर,